और हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने छुट्टी के बावजूद सुनवाई करते हुए अहम फैसला दिया है। अधिवक्ता राम बजाड़ गुर्जर और सारण जैन ने एक मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए उसकी मां को जमानत देने की याचिका लगाई थी, जिस पर चीफ जस्टिस सुजॉय फॉल ने 8 माह की बच्ची की जान बचाने उसकी मां की जमानत पर मुहर लगा दी। दरअसल पिछले दिनों बच्ची की मां को लसुड़िया पुलिस ने आबकारी एक्ट में गिरफ्तार कर लिया था और इस वजह से बच्ची मौत से जूझ रही थी। माननीय उच्च न्यायालय ने बड़ी उदारता देखते हुए और मेडिकल कंडीशन उसकी खुशी यादव के बच्चे को देखते हुए आज ये जमानत आवेदन स्वीकार करके आज उसको रिलीज करने के आदेश दिए गए हैं। किस तरह की जमानत? उसमें उन्होंने जो एक्साइज एक्ट का जो प्रकरण दर्ज किया गया था उस पर से उन्होंने मेडिकल कंडीशन, बच्चे की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उसमें से जमानत अलाउ करी है। और उन्होंने ये भी डिस्कस किया था कि इसमें ऐसी कंडीशंस को देखते हुए हमेशा माननीय न्यायालय खुली है और एक आम आदमी के लिए, आज वापस से सिद्ध होता है कि एक आम आदमी के लिए, क्योंकि ये कोई ऐसा कोई नेता नहीं है या कोई बड़ा आदमी नहीं है, ये महिला जो कि बहुत कोई इन्फ्लुएंशियल हो या कुछ हो, एक आम आदमी के लिए कोर्ट खुली है छुट्टियों में, जहाँ पे पूरी कोर्ट उच्च न्यायालय बंद है 10 दिन के लिए, और उसके बावजूद आज न्याय मिला है खुशी यादव को।